नमस्कार, हिंदू उजाला टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्ण यादव। आज हम बात करते हैं वीआईए एग्रो रूरल डेवलपमेंट फोरम के चेयरमैन ओम जाजुदिया जी से। जाजुदिया का कहना है, केंद्र सरकार ने किसानों की बात मान लेना चाहिए। किसान देश का अन्नदाता है और उत्पादक है, और किसान तकलीफ में है, यह ठीक नहीं। जाजुदिया साहब, आज किसान दिवस है, लेकिन देश का किसान परेशान है। देखने में आ रहा है कि दिल्ली में जो है किसान अपनी 3 कृषि बिल को रद्द करने के लिए अड़े हुए हैं विगत 1 माह से, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? सरकार ने किसान की बात को ध्यान से सुन के निर्णय लेना चाहिए, और किसान ने भी थोड़ा बहुत कंसिडर करना चाहिए। हालांकि गलती सरकार की ही है, लेकिन फिर भी ऐसा है कि जो भी है पोजीशन, तो समझ के काम करेंगे तो हाथ निकलेगा, सब खींचेंगे तो फट जाएगा। किसानों की हालत के लिए जो जिम्मेदार परिस्थितियां, उस पर अलग से चर्चा कर सकते हैं। बाकी किसानों के दाम, माल को दाम नहीं मिलता, ये तो कटु सत्य है। सरकार को मिलना चाहिए, इसके लिए सरकार ने MSP की, लेकिन MSP बेवकूफ बनाने का धंधा है। MSP डिक्लेयर करने से क्या होता है, कुछ थोड़ा सा खरीदी कर लिया रखते। किसान का माल MSP पे ही बिकना चाहिए, उससे कम में बिकना गुनाह है। ये जब तक आप डिक्लेयर होता नहीं, तब तक सारे कानून बेकार है। ये सब राजनीतिक खेल है, इसमें किसान का कोई भला नहीं होने वाला। हाँ, कृषि मंत्री जी का ये कहना है कि मतलब इसमें ये बिल जो है किसानों के फायदे के लिए है, तो थोड़ा सा आप ये बिल के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि इसमें किसानों का नुकसान क्या है या फायदा क्या है? देखिए साहब, किसानों का नुकसान और किसानों का फायदा, ये दोनों चीज़ें, दोनों ऐसे पॉलिटिकल गेम चल रहा है, इसमें ना किसान का फायदा ये, इसमें कोई कुछ नहीं होने वाला। जिसके लिए किसान मांग रहे हैं, जैसे मान लो एक उदाहरण के लिए बताता हूँ, भाई मेरा माल कहाँ बेचना चाहिए, इसके ऊपर सरकार मंडी में जाके क्यों बेचना चाहिए, ये रिस्ट्रिक्शन है, ये भी गलत है। और मान लो मेरा माल मैं मल्टीनेशनल को दे दूँ, मंडियाँ बंद हो जाए, तो भी गलत है। तो इसमें ना मध्य मार्ग निकलना चाहिए, ये उधर इसमें ना मध्य मार्ग निकलना चाहिए, झगड़े से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। तो इसको समझ के एक दूसरे को मार्ग निकालना चाहिए, दोनों गलतियां कर रहे हैं। और तीसरा, पॉलिटिक्स इसमें नहीं होना चाहिए, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए तीनों कानून रद्द होना चाहिए, तो स्टेट यानी बहुत सारी चीज़ें इसमें घुमा के प्रेजेंट की जा रही है। एक्चुअली इसमें किसानों के साथ राजनीतिक खेल हो रहा है, और किसान के बिल के बाद में बहुत ज़्यादा, जब तक ये दोनों एक समझदारी की लाइन में नहीं आया तब तक बर्बादी है। सरकार का ऐसा कहना है कि इसमें असली किसान नहीं है, इसमें सब बाहर के लोग या पॉलिटिक्स वाले इन्वॉल्व है, तो आपको क्या लगता है कि ये इस बारे में आपका क्या मत है? ये अर्धा सत्य है, किसान भी है और पॉलिटिक्स भी है। आप अपने देश के किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देश के किसानों को मैसेज सीधा सीधा ये देना चाहता हूँ मैं, भी आप पॉलिटिक राजनीति में मत पड़िए, आप बीच में किसी राजनीतिक पार्टी को मत लाइए, अपने दिमाग से काम कीजिए। एक और दूसरा, मैं आपके तो दूसरा एक मैसेज देना चाहता हूँ, राजनीतिक पार्टी को भी, किसानों के नेताओं को भी, और किसानों को भी, ये सारी प्रॉब्लम मार्केटिंग की है। आपको मार्केटिंग सीखना पड़ेगा, भाई के भरोसे 2 शादियाँ नहीं होती। आप अपना माल अपने घर से बेचने के लिए बोर्ड लगाओ, एक वजन काटा खरीदो, दुकान पे बोर्ड लगा दो, ओम जाजुदिया मेरे यहाँ गेहूँ मिलता है। तो जब तक किसान अपना माल कंज्यूमर को नहीं बेचेगा, जब तक आप कितनी लड़ाई लड़ लो, ये सब बीच वाले अपने अपने जाके किसान को बेवकूफ़ बनाएंगे, और अंत तो कुछ नहीं होने वाला। तो किसान को अपने दम पे, बल तो हिंदी में कहावत है, अपने मिनिस्टर भुजबल नहीं, बल तो भुजबल, जो अपनी भुजा का बल है वो काम में आएगा, अपना दिमाग काम में आएगा। दूसरों के दिमाग से काम करूँगे तो क्या है, वो अपनी अपनी रोटी से सेकेंगे और किसान वैसे ही रह जाएगा। इसमें देखने में आ रहा है कि विदर्भ के किसान जो अभी तक उनके साथ समझ में नहीं आ रहा, या उनका आंदोलन यहाँ दिख नहीं रहा विदर्भ में। नहीं, वो अलग सा, अभी ये MSP जो है विदर्भ के किसानों को भी असर होगा, लेकिन अपने यहाँ कपास है, तो जो MSP है सबसे बड़ा इसमें सवाल है, MSP पे खरीदी होना चाहिए। तो MSP डिक्लेयर कर दिया, खरीदी नहीं, उसका मतलब क्या है? तो ये सब कि सारी राजनीतिक पार्टियां किसानों को बेवकूफ बना रही हैं।